हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। साकिब टेक्नोलॉजी में आपको अगेन वेलकम कहते हैं। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कैमलियन डबल ए बैटरी के हवाले से बहुत ही जबरदस्त इन्फॉर्मेशन। ये रिचार्जेबल बैटरी है, तो आज मैं आपको बता देता हूं टोटली तौर पर ये किस किस चीज के लिए यूज होती है और ये कितने में मिलती है, सारी डिटेल्स में बने रहिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने भी आपको बता दिया है, आज मैं आपको बताने वाला हूं कैमलियन बैटरी के हवाले से। पहले सबसे मैं आपको बता देता हूं इसका यूज क्या है, ये किस तौर पर यूज किया जाता है। जैसा कि आप सेल, नॉर्मल सेल जिसे कहते हैं, तो वो आप किस किस चीज के लिए यूज करते हैं। डिजिटल कैमरास के लिए यूज करते हैं, बोया वायरलेस माइक्रोफोन के लिए भी यूज कर सकते हैं, गेम कंट्रोलर के भी यूज कर सकते हैं, किसी भी गेम या किसी भी बच्चों के खिलौनों में भी यूज कर सकते हैं। आप किसी भी जगह पर यूज कर सकते हैं जहां पर सेल डलते हैं। तो अब बात की जाती है आम सेल विदाउट रिचार्जेबल के हवाले से। अगर बात की जाए तो विदाउट रिचार्जेबल सेल जितने भी होते हैं, 100 रुपए की अगर आप जोड़ी परचेस करते हैं, तो 2 से 3 दिन लगातार अगर कोई भी बच्चा या फिर आप उसे चलाते हैं तो वो खत्म हो जाती है। फिर जाते हैं, फिर नए से परचेस करके लाते हैं, फिर खत्म हो जाती है। तो ये एक झंझट है बहुत बड़ी। इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, रिचार्जेबल सेल ले लेने हैं। रिचार्जेबल के हवाले से अगर बात की जाए तो 1 साल अगर पड़े भी रहे तो ये खत्म नहीं होने वाले। 1 साल फॉर एग्जाम्पल आपने 95% तक जो है एनर्जी इसकी जो है चार्जिंग कर दी है, 1 साल के बाद अगर आप यूज नहीं करते तो देखेंगे 90% बची हुई होगी या फिर 85% बची हुई होगी, आपकी वेस्ट नहीं जाने वाली। इसकी लाइफ के हवाले से बात की जाए, इसकी लाइफ कितनी होगी, अगर आप ये लेते हैं ये तकरीबन 500 रुपए का आपको मिल जाएगा। 530 रुपए का एक जोड़ी है। अगर आप 2 जोड़ियां खरीदना चाहते हैं तो फिर 1100 आपको मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि सेल किस टाइप के हैं और कौन से सेल हैं। सबसे पहले चलते हैं सेल्स की जानी, मेरे पास ही पड़े हुए तो मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें से मैंने निकाले हैं और ये एक सेल की जोड़ी मुकम्मल है, आप देख सकते हैं। मैं आपको पास से दिखा देता हूं। दोस्तों देख सकते हैं आप, मैंने कैमलियन की सेल की ये रिचार्जेबल जोड़ी है, इसको आप देख लीजिए। अगर आप खरीदना चाहते हैं किसी भी चीज के लिए तो आप खरीद सकते हैं। इसके बढ़कर आपके लिए कोई चीज नहीं होगी। ये तकरीबन आपका लाइफ टाइम जो है साथ निभाने वाला है, 5 से 10 साल तक। पिछले 5-10 साल से मैं पहले एक और सेल था, वो किसी और कंपनी का था, वो मैं यूज करता आ रहा था। लेकिन अब इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये मैं अब यूज करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बोया माइक्रोफोन WM6 जो है वो, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, मैंने अनबॉक्सिंग भी की है, वो मैंने परचेस की है 12,000 रुपीज की। तो वो उसके लिए मैंने ये लिए हैं, तो उसके यूज के लिए जो है मैं इसे जो है लिए हैं और मुझे जरूरत है, क्योंकि वहां पर मैंने पहले लिए थे 150 के 2 सेल, वो तकरीबन 5 से 6 दिन चले हैं और खत्म हो चुके हैं। अब मैं ये लेकर आया हूं और ये आपके सामने है। ये इंशाल्लाह ताला जैसे ही खत्म होते हैं दोबारा से इसे रिचार्ज कर लिया जाता है। अब बताता हूं चार्जर के हवाले से, इनर्जियर का चार्जर है ये भी, मैं आपको बता देता हूं। ये भी आप देख सकते हैं इनर्जियर का चार्जर है, ये देख सकते हैं इनर्जियर का चार्जर है, इसे भी आप देख सकते हैं इजीली। तो इसकी भी अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखा देता हूं अंदर इस कैसा दिखता है, ये चार्जर है क्या चीज़। तो ये भी मैं आपको इजीली दिखा देता हूं। इससे ये जितने भी सेल हैं ये रिचार्ज होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक चार्जर है, ये भी मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। इसमें सेल, जी हाँ, ये जो टर्मिनल बने हुए हैं ये वाले, इसमें सेल डलेंगे और इसके बाद जो है ये आपके सामने है, ये सॉकेट में लग जाएगा और ये रिचार्ज होना शुरू हो जाएंगे। याद रहे कि आम सेल जो रिचार्जेबल नहीं होते वो इसमें प्लग इन करने की ज़रूरत नहीं है, वो मत कीजिएगा। अगर वो करते हैं तो ये ब्लास्ट हो जाएगा या फिर आपके सेल ब्लास्ट हो जाएंगे। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा दोस्तों, सेल की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, इसके बाद मैं आपको कैमलियन सेल जो है वो खोल कर दिखा देता हूँ आखिर वो है क्या चीज़, कैसे दिखने में सेल है। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी देख सकते हैं आप, ये रिचार्जेबल सेल है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं होता, ये रिचार्जेबल सेल है, बिल्कुल नॉर्मल है दिखने में, ये बिल्कुल आम सेल की बनिस्बत है, इसमें कोई रद्दबदल नहीं है। लेकिन इसके अंदरूनी जो फंक्शन है वो चेंज है, जिसकी वजह से ये रिचार्ज हो जाता है। तो ये कैमलियन सेल आपने देख लिया होगा, इसके बारे में बहुत सारे दोस्तों ने आपने दिखाया होगा, बहुत सारे दोस्तों ने वीडियो शेयर की होंगी, लेकिन सही तौर पर ये अनबॉक्सिंग करके या फिर सही तौर पर रिव्यू किसी ने नहीं करवाया होगा। तो मेरा मकसद यही था कि ये 1.5 वोल्ट है और ये बोया माइक्रोफोन के लिए भी यूज़ हो सकता है। WM6 मॉडल के हवाले से बात हो रही है, मैंने स्पेशली तौर पर उसी के लिए लिया है और इंशाल्लाह ताला मैंने इसे यूज़ भी किया, चेक भी किया है, तो बहुत ज़बरदस्त इसकी बैटरी टाइमिंग है। तो अब बात की जाती है आप लोगों के हवाले से, अगर
आप किसी भी चीज के लिए यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल गेम खेलना चाहते हैं, बच्चों की गेम है, या फिर आप घड़ी में यूज करना चाहते हैं, किसी और चीज में यूज करना चाहते हैं, अगर घड़ी के हवाले से बात की जाए तो घड़ी में 10 साल तक भी ये खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि ये इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है आम सेल की बनिस्बत। अब बात करते हैं किसी और किसी भी चीज के लिए आप यूज कर सकते हैं। सेल का साइज जो है वो आपने देख लिया होगा, ये सेल का साइज नॉर्मल वाला है, एक होता है मिनी साइज, थोड़ा छोटा होता है जो टीवी रिमोट के तौर पर इस्तेमाल होता है, एक थोड़ा बड़ा होता है जो हर किसी चीज के लिए यूज होता है, तो थोड़ा बड़ा वाला ये साइज है, आप ये खरीद सकते हैं। ये डबल ए बैटरी है, एक ट्रिपल ए भी बैटरी होती है, लेकिन ये डबल ए बैटरी है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो बहुत जबरदस्त लगी होगी। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया दोस्तों।